हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं आप सभी से हमारे गांव के छठ पूजा का ब्लॉग शेयर कर रही हूं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। आज है छठ का पहला अर्घ, तो यहाँ पे जितने भी गांव की जो औरतें हैं जो छठ पूजा करती है वो लोग सभी कोई मिल के मंदिर का पूरा साफ सफाई कर रही है। और छठ पूजा में तो पूरे अच्छे से साफ सफाई करनी पड़ती है, तो यहाँ पे सभी औरतें एक एक घर से आई है और यहाँ पे पूरा साफ सफाई कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग रेडी हुए हैं छठ घाट जाने के लिए, देखते हैं जा पाते हैं कि वैसे नहीं। तो मैं छठ पूजा नहीं करती हूँ, पर मेरे मन में छठ पूजा को लेकर बहुत ही ज़्यादा आस्था है। छठ घाट जाना और छठ के जो गीत होते हैं वो गीत सारे बहुत ही अच्छे लगते हैं। छठ पूजा का जो प्रसाद होता है वो खाना, वो सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं छठ घाट आ गई हूँ। और छठ का जो पूजा होता है बिहार और झारखंड दोनों का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। इस पूजा में बहुत ही ज़्यादा नियम धर्म का पालन करना पड़ता है। और जिनके घरों में छठ पूजा होती है उनके घरों में पूरा कार्तिक महीना मीट मछली जो भी होता है वो सब नहीं बनता है, पूरा शाकाहारी खाना बनता है। और वो भी बिना प्याज लहसुन वाला खाना ही खाते हैं वो लोग। छठ घाट जाना और जितने भी व्रतियां होती है जो छठ पूजा करती है उन लोगों का उगते और ढलते हुए सूरज को अर्घ देना, ये सभी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है। और सभी जो भी व्रतियां लोग रहती हैं उनके पूरा नाक से लेके पूरा मांग तक भर भर के ऑरेंज वाले सिंदूर देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये सभी चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा छठ घाट आती हूँ। छठ घाट में पूजा करने के बाद में जो सूर्य देवता को अर्घ देने का होता है वो सब हो जाने के बाद सभी व्रतियाँ मंदिर में भी आती है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सभी कोई मंदिर आ रहे हैं पूजा करने के लिए। मैंने आप सभी से एक छोटा सा छठ पूजा का ब्लॉग मेरे गांव का शेयर किया। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहां पे छठ व्रतियों के द्वारा दिया हुआ ये छठ का प्रसाद है जो उन्होंने अपने आंचल से दिया है। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ।